तब YouTube पे जाएगा, दिखा दो ना फिर। क्यों दिखा दो? अच्छा एक बार दिखा दो, एक बार दिखा दो, पता लग। हे गाइस कैसे आप लोग, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे के, तो आपको और भी अच्छा करने लेके आई आपकी रेड से एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो। सो गाइस आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी इमोशनल होने वाली है, बहुत मजा आने वाला वीडियो में। मैंने किया एक सोशल एक्सपेरिमेंट, देखा है लोगों को कि आज के टाइम में लोग सामने वाले की कितनी हेल्प करते हैं और कितने नहीं, लोग कितने हद तक लोगों में इंसानियत बाकी है। तो आप चलकर खुद वीडियो को देखो यार, मैं मिलती हूँ वीडियो के बाद। ठीक है, हाँ ओके, ठीक सही है चल ठीक है। अच्छा अच्छा चल ठीक है ना, ओके चलो ठीक है। एक्सक्यूज मी, हाय यार, मैं अभी यहाँ से जा रही थी तो मेरा ना शायद वॉलेट गिर गया, आपने देखा यहाँ वाकई? वॉलेट नहीं तो यार मैं बहुत परेशान हो रही हूँ सीरियसली, पता है मैंने बहुत मेरी मेहनत की कमाई थी वो, मुझे आज जॉब से सैलरी मिली थी, आपने देखा हो तो बता दो, या नहीं, नहीं, मैंने नहीं। आप थोड़ी हेल्प कर सकते हो, मेरी ढूंढने में कोई हेल्प भी नहीं कर रहा है यार मेरा, सीरियसली आप यहाँ से जा रहे थे ना, मैं आपके पास से टपी थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने देखा होगा, मैं फोन पे बात कर रहा था, पक्का आपने ध्यान नहीं दिया? मैं नहीं, मैं ये घर में जाऊं। एक्सक्यूज मी एक बार आना आप यहाँ यार, अभी ना मैं यहाँ से जा रही थी तो मेरा ना वॉलेट गिर गया, शायद आपने देखा कहीं पे? सॉरी मैम। भैया आपने देखा मेरा वॉलेट? नहीं देखा आपने? देखा नहीं, मैं अभी आपके पास ही गुजर के गई हूँ, शायद आप ही थे। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मार्केट जा रहा हूँ। वो तो ठीक है, बट अभी मैं यहाँ से गई थी ना तो मैंने देखा कि आप आसपास, आप जा रहे थे, ऑटो वाले भैया थे और कोई था ही नहीं, तो आसपास तो सुनसान है, तो मुझे भी नहीं दिख रहा है ना मैम। नहीं दिख रहा, तो आप मेरी हेल्प कर सकते हो थोड़ा ढूंढने में? क्या यहाँ से यहाँ पाए हैं तो फिर कहाँ? चलो एक काम करो, मैं ना मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही, आप एक पॉकेट चेक करा दो मुझे ना, वो कन्फर्म हो जाएगा थोड़ा। आप जा रहे थे और एक दो लोग और जा रहे थे जो एक मैंने देखा, आप एक बार आके हेल्प तो कर दो, यहाँ मुझे लेट हो रहा है। मैं अभी यहाँ से जा रही थी और मेरे को पता नहीं एक दो लोग और देखा मैंने, वो जा रहे थे ऐसे और देखा, उनसे पूछा मैंने तो वो तो बोल रहे नहीं है। आप देख लीजिए, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, प्लीज हमें थोड़ी हेल्प कर दो वॉलेट ढूंढने में, मेरे को आज ही जॉब से सैलरी मिली, आपको तो पता है ना 12-12 घंटे की जॉब करनी पड़ती है और कैसे 20,000-18,000 कैसे लोग, प्लीज भैया आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। चल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, आपका पर्स गिर गया है ये? अरे अंकल थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। गिर गया साहब आपका जो है। अच्छा आपने दे दिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज के टाइम में क्या करते हैं ना लोग, रख भी लेते हैं। जी हम ईमानदार से खाते हैं, मेहनत से खाते हैं, बस बहुत अच्छा लगा। अच्छा वॉलेट गिर गया क्या? थैंक यू सो मच अंकल, आपको पता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वॉलेट गिर जाए ना तो देते नहीं है, नहीं, नहीं, अपना फायदा देखते हैं, पर आपने सच में मेरे को दे दिया क्योंकि आज ही मेरे को अपनी जॉब से सैलरी मिली है और आपको पता है सबकी कितनी मेहनत की कमाई होती है और बहुत सारे लोग देते हैं। हमारा धर्म है वो, तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि यार मेरी जॉब की सैलरी आई थी और आज मैंने बहुत मेहनत से पैसे कमाए थे। मतलब आपके पीछे चल रहा हूँ तो मैं थोड़ी मेरी पॉकेट से, तो अगर मैं आगे से जा रही हूँ तो पीछे से वॉलेट गिरा है मेरी पीछे वाली पॉकेट से, तो पीछे वाला बंदा ही तो उठाएगा ना उस चीज को। मतलब मैंने ये नहीं बोला आपने उठाया, कंफर्मेशन के लिए जैसे पॉकेट चेक करा दो। मैम कोई तरीका नहीं हुआ कि पॉकेट चेक कर लें किसी? ओके थैंक यू सो मच यार, आपने हेल्प की, थैंक यू। आप जा तो आप यहीं से रहे थे ना? तो जाते और भी रहते यहाँ से लोग, तो मैंने उन दो लोग और जा रहे थे यहाँ से, मैंने उन दो, आप मुझे चोर बोल, तो मैंने उन दो लोगों से पूछ लिया, उन दो मैं नहीं लिया ना, तो एक काम करते हैं कि मैंने उन दोनों से पूछ लिया जो दो लोग जा रहे थे और आप और थे यहाँ पे, और आपके पास से मैं निकल के गई, आपने मुझसे पूछ लिया, मैंने मना कर दिया, मेरे पास नहीं, तो क्या मैं चेक कर सकती हूँ आपके पॉकेट? इसलिए चेक कर सकते हो आप? मैं आपको चोर साबित नहीं कर रही, बस मेरे मन में जो क्लियर हो जाएगा कि आपने नहीं लिया वो। क्या कह रहे हो? पर्स गिर गया। अच्छा अच्छा पर्स गिर गया,
यार, शुक्रिया भैया, थैंक यू सो मच, आपने मदद करी, थैंक यू। आप एक काम करो, मेरी तरफ से ना थोड़े से पैसे रख लो, ये आपका, ये आप ना अपना ये 5,000 रुपए रख लो, ये समझ लो ये आपके लिए इनाम है, क्योंकि आपने ईमानदारी दिखाई है बहुत। नहीं नहीं साहब, मैं मेहनत का खाता हूँ साहब, उसका कोई बात, बस ये सोच लो, बेटी हो कोई बात नहीं, आपका गिर गया। हाँ जी, क्या हो गया? अच्छा, वॉलेट गिर गया था। थैंक यू सो मच भैया, आपने मदद कर दी, शुक्रिया। आपको रखना चाहिए, आर यू श्योर? आपने नहीं लिया? नहीं लिया मैंने, बट जहाँ तो आप ही रहे थे, यहाँ से तो आप भी रहे थे, आपको ध्यान रखना चाहिए था अपने कार। यार सच बता रही हूँ मैं, सिर्फ आप ही जा रहे थे यहाँ से। सुनो तो मेरी बात, आप एक काम करो, अपना एक काम करो, आप बैग चेक करा दो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, चेक करा दो, पता लग जाएगा ना मुझे आपने नहीं लिया तो। आपको पता लगने से मुझे क्या, आप जा क्यों रहे हो, आप घबरा क्यों रहे हो? एक मिनट बात तो सुनो, आप घबरा क्यों रहे हो फिर, अगर आपने नहीं लिया तो? थैंक यू भैया, शुक्रिया भैया। आपको पता है आपने बहुत अच्छा काम किया है कि किसी का पर्स गिर जाए और आपने मेरे को आवाज लगाई, वरना बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि पर्स दिखा, लालच आता आ जाता है लोगों में पैसों का और देते भी नहीं है। अच्छा। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, शुक्रिया। शुक्रिया आपको, ठीक है। आपको पता है आपने ही वॉलेट उठाया? मैंने वॉलेट उठाया? हाँ जी, आपने ही उठाया। इसका क्या प्रूफ है? मैंने प्रूफ है, क्योंकि मैंने कैमरा लगा रखा था, वो देखो सामने कैमरा लगा हुआ है, यूट्यूब पे चैनल है मेरा। और YouTube मुद्दा इससे नहीं है, मुद्दा यही है ना कि आपने वॉलेट उठाया है जो कि सारा रिकॉर्ड हो चुका है कैमरे में। मैं चोर हूं। आप चोरी हो, आप दिखाओ अपनी पॉकेट, पॉकेट इधर तो आओ, डर क्यों रहे हो? जो चोर हो, मैं अपने काम से मार्केट जा रहा हूं। जो चोर नहीं होता ना वो कभी भी डरता नहीं है, तुम दिखा दो अपनी पॉकेट, दिखा दो कहाँ है। मैम आप सीबीआई हैं, पुलिस हैं, कि आप मेरा पॉकेट चेक करें तो मेरा वॉलेट है तो मेरा इतना तो हक बनता है ना सामने वाले की पॉकेट चेक कर लूं, जबकि मुझे अच्छे से पता है कि तुमने ही उठाया है। तो आप एक काम करो, मुझे अपना बैग चेक करा दो, पता लग जाएगा ना। तो यार जो चोर होता है ना वो, आप मुझे चोर नहीं बोल सकते, मैं आपको चोर नहीं बोल रही, आप चेक करा दो मुझे, क्लियर हो जाएगा तो करा दो ना चेक, तो आप मेरे को चेक करा दो ना बैग में, आपको पता लग जाएगा। तो आप डर क्यों रहे हो, आप घबरा क्यों रहे हो? मैं ना एक सोशल एक्सपेरिमेंट शूट कर रही थी, देख रही थी, अगर मैं अपना वॉलेट गिराती हूँ ना सामने वाला मेरे को देता है नहीं देता, लेकिन तुमने तो बैग में डाल लिया और कैमरा, मेरे पास प्रूफ है ना, वो सामने कैमरा लगा हुआ है, मैं उसी में देख रही थी, रिकॉर्ड हो रहा है आपका, अब यूट्यूब पे जाएगा, दिखा दो ना फिर। क्यों दिखा दो? अच्छा एक बार दिखा दो, एक बार दिखा दो, पता लग जाएगा ना फिर। हाँ जी, अच्छा वॉलेट गिर गया, थैंक यू सो मच भैया, आपने दिखा दिया, मैं सामने कैमरा लगा हुआ है, छोटी सी वीडियो बना रहे थे, देख रहे थे लोग वॉलेट वापस देते नहीं देते आज के टाइम में ना, लोगों में इंसानियत पता है ना कैसे है लोग। थैंक यू सो मच, आपने हेल्प किया, अच्छा लगा। आप ये सोच लो मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी बेटी अपनी थोड़ी सी कमाई आपको दे रही है, रख लो थोड़ा सा, प्लीज रख लो, रख लो, आशीर्वाद दे दो और कुछ नहीं चाहिए। बहुत अच्छा दिखाया हमने, एक छोटी सी वीडियो बना रहे थे, ये देख रहे थे कि आज के टाइम में भी लोग मदद करते नहीं करते। अच्छा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों ने तो मेरा वॉलेट खोज के ही भाग गए, लेकिन आपने दिखा दिया कि इंसानियत आज भी बाकी है, जबकि आपको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत होगी मुझे पता है। हाँ। फिर भी आपने ईमानदारी दिखाई और मेरे को दिए, आशीर्वाद। वॉलेट चेक, अपने अपने मेरा वॉलेट, मेरे को नहीं पता, मेरे को एक बार चेक करा दो ना। मैम आप पॉकेट में क्यों चेक कर रहे हैं? तो मुझे पता है ना मेरा वॉलेट तुम्हारे पास ही है। कहाँ है? अरे एक देख, देख लो, कुछ नहीं है मैम, देख लो यार, चुपचाप बता दो, वरना मैं YouTube पे वीडियो अपलोड कर दूंगा तुम्हारी शक्ल के साथ कि तुम लोग चोरी भी करते हो, आपको लगता है शर्म नहीं आती? आप दिखाओ वॉलेट, कर लो फिर, कहाँ रखा है तुमने, उठाया तुमने यार? अरे किसने, अभी कैमरा लगा हुआ था, अभी मैंने खुद देखा, इसने उठाया यार, तो कहाँ है? एक्सेप्ट कर रहे हो नहीं कर रहे यार? यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दूँ, वॉलेट दे रहे हो मेरा, उसमें मेरे बहुत सारे पैसे हैं, मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे आईडी प्रूफ है, मेरी हर चीज़ है, दो मुझे मेरा वॉलेट वापस प्लीज। जबरदस्ती आप चोर शब्द नहीं एक्सेप्ट कर रहे तुम दे रहे हो यार, मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दूँ, ये बताओ, YouTube पे वीडियो अपलोड कर दूंगा मेरी शक्ल के साथ कि इस बंदे ने मेरा वॉलेट उठाया और दे भी नहीं रहा, उसमें मेरे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं यार। तो फिर आपको निकालो ना, तुम चोरी कर रहे हो, मैं तुमसे आराम से बात करूं, ये कैसे पॉसिबल है, ये चोरी है। अगर तुम एक जेन्युइन बंदे होते तो मुझे रोकते और मुझे मेरा वॉलेट वापस दे कर देते, रिटर्न कर देते। आप इतनी जल्दीबाजी में थी इसलिए मैं बता नहीं पाया, पैसा देखने के बाद सबका दिल फिसल जाता है। हां तो ये बात है ना, ये बोलो ना अपने मुंह से पैसा देके तुम्हें लालच आ गया, ये चीज है ना। मैं अभी भी चाहूं तो ना दे सकता हूं, मैं चेक कर लूं ना इसमें सब कुछ है ना, कुछ देख लो मैम। अब तुम्हारी वीडियो जाएगी ना YouTube पर, पता चलेगा चोरी करते हो, शर्म नहीं आती, तो कोई तरीका नहीं, तो एक्सेप्ट करो ना, पब्लिक देख रही है और सब। मैंने सिर्फ एक सोशल एक्सपेरिमेंट शूट करी थी, अगर मैं वॉलेट गिराती हूँ तो सामने वाला हेल्प करता है नहीं करता। मैंने आपको दिया ना, हद है यार, तुम जैसे लोग हैं दुनिया में, शर्म आनी चाहिए, बेशर्म।